फ्रेंड्स, आज मैं एक नए वीडियो के साथ में आई हूँ जिसमें हम 5 अननोन फैक्ट्स अबाउट राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट्स के बारे में बोलेंगे। ये वो लीगल फैक्ट्स हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद किसी भी रिलीजन के सेंटिमेंट्स को अफेंड करने का नहीं है। मैं जो भी फैक्ट्स बताने जा रही हूँ ये लॉ से रिलेटेड फैक्ट्स हैं। तो आइए जानते हैं ये 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस केस के बारे में। फैक्ट नंबर 1, ऑल स्टार्टेड इन द ईयर 1885। यस, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो केस है ये स्टार्ट हुआ था 1885 में ही। ये केस स्टार्ट हो चुका था। केस की शुरुआत हुई थी महंत रघुवीर दास ने। इन्होंने राम टेम्पल बनाने की कोशिश की थी बाबरी मस्जिद के चबूतरे में, और जिसे फैजाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने बनाने से मना किया था। इस बात को लेते हुए महंत रघुवीर दास ने एक सिविल सूट फाइल किया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अगेंस्ट में, और उन्हें ये परमिशन मांगा था कि उन्हें उस जगह पर राम मंदिर बनाने की परमिशन दिया जाए। फैक्ट नंबर 2, अब तक इस केस में टोटल 5 सिविल सूट्स फाइल हो चुके हैं। अलग अलग सिविल सूट्स या टाइटल सूट्स इसमें फाइल हो चुके हैं। गोपाल शिमला विशारद ने फर्स्ट सूट फाइल किया था फैजाबाद सिविल कोर्ट में, और उन्होंने राइट टू परफॉर्म पूजा का परमिशन मांगा था। दूसरा फाइल किया था परमहंसना रामचंद्र दास ने, और उन्हें कहा था कि उन्हें पूजा करने की कंटिन्यूएशन की परमिशन दिया जाए, लेकिन उन्होंने बाद में अपना एप्लीकेशन विड्रॉ कर लिया था। तीसरा एप्लीकेशन फाइल किया है निर्मोही अखाड़ा ने, जो उन्होंने मांगा था उस जगह जो डिस्प्यूटेड साइट है उसका उन्होंने चार्ज मांगा था। एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने उस जगह का टाइटल एंड डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड पोजीशन मांगा है निर्मोही अखाड़ा ने। चौथा है यूपी सुनी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने फाइल किया है, और इन्होंने फाइल किया था ये 1961 में, और ये भी डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड पोजीशन मांग रहे हैं। पांचवा सूट फाइल हुआ है 1989 में, जो राम लल्ला विराजमान समूह ने फाइल किया, इन्होंने भी डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड पोजीशन मांगा है इस केस में। फैक्ट नंबर 3, जो पहला केस का ऑर्डर है वो 1886 में ही आ चुका था। जैसे मैंने आपको पहले बताया, फर्स्ट फैक्ट था कि ये केस फाइल हुआ था 1885 में, उसी केस का ऑर्डर जो आ चुका था वो 1886 में ही आ चुका था। और उस समय के जो डिस्ट्रिक्ट जज थे फैजाबाद के, कॉलोनियल एफ़ ए चैमियर ने इस एप्लीकेशन को या टाइटल सूट को रिजेक्ट कर दिया था, ये कहते हुए कि ये जो एप्लीकेशन है ये टाइम बार्ड है, और जो भी फैक्ट्स है ये 356 ईयर्स पुराने हैं, और मैटर्स जो है, जो केस जो है वो टाइम बार्ड हो जाता है, और उन्हें उस एप्लीकेशन को या सिविल सूट्स को रिजेक्ट कर दिया था। फैक्ट नंबर 4, अलाहाबाद हाई कोर्ट को 61 ईयर्स लगे इस केस के डिसीजन पे आने के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें बहुत सारे टाइटल सूट्स फाइल हुए थे अलग अलग साल में, तो इसीलिए अलाहाबाद हाई कोर्ट को एक डिसीजन में आने के लिए 61 ईयर्स लगे। और अपने डिसीजन में अलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो ज़मीन है इसको 3 बराबर हिस्सा में बांट के दे दिया जाए, एक तो हिंदू महासभा को, दूसरा निर्मोही अखाड़ा को, और तीसरा जो सुन्नी बोर्ड है उसको। पांचवा, इस केस से रिलेटेड जो की विटनेस है अंसारी की विटनेस, और जो चीफ लिटिगेंट है अंसारी साहब, और दूसरे जो हैं जो निर्मोही अखाड़ा के जो है महंत भास्कर दास, इन दोनों का ही निधन हो चुका है और अब ये जीवित नहीं है। तो आई होप गाइस आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ में आ सकूँ। थैंक यू।